भारत और नेपाल के संबंध अनादिकाल से हैं और दोनों पड़ोसी देश भी हैं। दोनों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत ही अधिक समानता है। नेपाल में अगर अस्थिरता उत्पन्न होगी तो भारत को भी प्रभावित करेगी। वहीं अगर भारत विकास की ओर बढ़ रहा है तो नेपाल का भी विकास गति पकड़ेगा। इसी के आधार पर मातृमंडल सेवा भारती भारत के साथ नेपाल की महिलाओं एवं किशोरी के विकास का काम कर रही हैं, जिस कार्य को लेकर रेनबो हॉस्पिटल के संचालकों ने, वहाँ के लोगों ने मातृ सेवा मंडल भारती की महिलाओं का सम्मान किया, उनके कार्य की सराहना भी की। मैं अविनाश सिंह हूँ और मातृ मंडल सेवा भारती की क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख। यहाँ आपको सम्मानित किया, किस विषय पर किया गया है? कि मातृ मंडल सेवा भारती की तरफ से ही आयोजित एक कार्यक्रम है। अभी हम नेपाल होकर के आए हैं और नेपाल की एक संस्था है रोज रोहिणी सृजनशील समाज, तो वो हमारी कार्य पद्धतियों को काफ़ी समय से फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने निर्देशन दिया। एक बड़ा कार्यक्रम था जिसके माध्यम से वो किशोरियों के बीच में काम करते हैं। रोज रोहिणी जो संस्था है वो मेरी प्रेरणा से ही उन लोगों ने खोली कि किशोरियों के बीच में कैसे कार्य किया जाता है। तो वहाँ पर हमारा सम्मान था, पोखरा में ये कार्यक्रम आयोजित था 5 सितंबर को, जो नेपाल की गणमान्य महिलाएँ उपस्थित थी वहाँ पर, जहाँ मैं अपने भारत की बात को रखने का मौका मिला। माता सीता मैया के आदर्शों पर चलने का आह्वान मैंने वह नेपाल की बहनों से पक किया और रोज बहनी के साथ मिलकर के मातृमंडल सेवा भारती नेपाल की मातृशक्ति के लिए और विकास के लिए कार्य करें, ऐसा हम लोगों का मंतव्य रहा है। और अब हमारा आना जाना नेपाल लगा रहेगा, क्योंकि वहाँ की जो बहनों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। भारत में तो सिर्फ गरीबी है, लेकिन वहाँ की स्थिति गरीबी के साथ साथ आप सब जानते हैं, मीडिया जानती है कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, क्योंकि बड़े स्तर पर देह व्यापार में भी लिप्त कर दिया जाता है और शराब खुलेआम बच्चों के बच्चे, कोई वहाँ प्रतिबंध नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे व्यसन है, मांसाहार बहुत ज़्यादा है, बलि प्रथा है, ऐसी कुप्रथाओं ने नेपाल को जकड़ रखा है। तो वहाँ मातृशक्ति को जगाकर ही हम नेपाल में एक नया इतिहास लिख सकते हैं, ऐसा सोचा उन लोगों ने। तो मातृमंडल सेवा भारती का बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने इस काम के लिए हमें चुना। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। मैम नाम बताइए। मैं रेणुका जैन हूँ। मैम किस तरह यहाँ सम्मानित का कार्यक्रम किया गया? मैं मातृमंडल सेवा भारती की पेट्रम संरक्षक और आज ही हमारी बहनें, कुछ बहनें नेपाल यात्रा पर गई थी और वहाँ पे 2500 किशोरियों के लिए काम करके आई हैं और नेपाल बहुत अस्त व्यस्त है इस समय, और वहाँ पर जाके उन्होंने पूरी उनको व्यवस्था समझाई कि कैसे किशोरियों का विकास कैसे करना है। और हमारी जो नेपाल की धरती थी जहाँ पे सीता मैया वहाँ की पैदाइश थी, कैसे वो नीचे चली गई, कैसे वहाँ पे किशोरियों को ऊपर लाकर और कैसे केंद्र, किशोरी विकास केंद्र चलाने हैं, इसके ऊपर जो उनकी यात्रा थी उसका आज अभिनंदन कर रहे हैं। और अभिनंदन भी नहीं है, हम उनसे समझना चाहते थे कि क्या क्या व्यवस्थाएं वहाँ पे ज़रूरत है, क्या आगे हमें करना है, उसका आज एक पूरा विषय को उठाकर उसके ऊपर आज एक डिस्कशन की है। नेपाल की कुछ पीड़ा को महसूस करके जो उन्होंने यहाँ पर आकर बताया किया, तो उस भावना को यहाँ पर बताने और उनका मातृ सेवा मंडल के द्वारा, क्योंकि वो नेपाल से लौटी है उसके होकर, तो उनका वापस एक सम्मान करने के लिए एक छोटा सा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें डायटिशियन डॉक्टर रेणुका जी का भी, रंग जी का भी आज सम्मान किया गया है। वो भी डायटिशियन एक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है, तो इससे संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसे आपने बताया नेपाल से लौट गए, उनको कोई पुरस्कृत किया गया है, किसी पुरस्कार से संबंधित कोई? लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।